दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज करेंगे आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन। जी हां, आपको बता चले कि लंबे समय से आश्रम फ्लाईओवर खुलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल आज सोमवार से आश्रम फ्लाईओवर को फिर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे नोएडा और दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार 12 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि अभी भी छोटा मोटा काम शेष बचा है। इन सब के बीच PWD ने इसे रात में भी शुरू करने की योजना बनाई है। फ्लाईओवर पर स्ट्रीट लाइट का काम सोमवार तक पूरा कर दोपहर इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जा सका तो मंगलवार यानी 7 मार्च से हर हाल में इसे जनता के उपयोग के लिए खोल दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये डॉक्टर रमन सिंह आजकल दिखाई नहीं दे रहे? कहां है? बाहर? विदेश? कोई कह रहा था बीजेपी ने उनका पत्ता काट दिया, किसी और को CM बनाएंगे। आजकल बीजेपी नहीं दिखाई दे रही? कहीं दिखाई दी 5 साल में बीजेपी? बीजेपी गायब है बिल्कुल। जनता के मुद्दे आज केवल आम आदमी पार्टी उठा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो बीजेपी साफ हो चुकी है, बीजेपी टक्कर में नहीं है। आने वाला चुनाव सीधे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा दोस्तों। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं अंत में, जैसे दिल्ली के लोगों ने क्रांति कर दी, पंजाब के लोगों ने क्रांति कर दी, जब तक सारे मिलके एक साथ इन दोनों पार्टियों का सफाया नहीं करोगे तब तक क्रांति नहीं आने वाली। कोई सोचेगा नई पार्टी है पता नहीं जीतेगी नहीं जीतेगी, वोट दूं खराब तो नहीं हो जाएगा वोट? अरे वोट खराब तो तब होगा जब तुम कांग्रेस को दोगे, वोट खराब तो तब होगा जब तुम बीजेपी को दोगे। हर आदमी अपनी अपनी सोच ले, ये ना सोचे मेरा पड़ोसी किसको वोट देगा। हर आदमी अपनी अपनी सोचे, भाई मैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, अपने आप आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, बाकी आप चिंता मत करना। भारत माता की जय।